नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दौर के मतदान से पहले शिव का आशीर्वाद दिया और पूजा के बाद गुफा में ध्यान लगाया। सीएम केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में दिल्ली में 12 मई को हुए मतदान से एन पहले मुस्लिम वोट के कांग्रेस को ट्रांसफर होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को वहां अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा ऑपरेशन करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया और बख्तरबंद गाड़ियों में पहुंचे जवानों ने वहां तलाशी अभियान शुरू किया। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान इलाके के ही शौकत अहमद डार के तौर पर की गयी, जिनके कब्जे से अवंतीपोरा एयरबेस का नक्शा मिलने का भी दावा किया गया। नक्शा मिलने के बाद श्रीनगर और अवंतीपोरा में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में अपनी चौकसी बढ़ा दी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग और हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिल्ली में मतदान से पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस को शिफ्ट होने का दावा किया। केजरीवाल के इस दावे के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर वोट के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के जल्द ही समाप्त होने का ऐलान किया। हम अगर एक लाइन में कहें तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि सबसे कम समय में एक पार्टी आई और समाप्त हो गई। वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला किया और उसे एक वर्ग के बजाय सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिलने का दावा किया। हमारे लिए हर वोटर इम्पोर्टेंट है, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब वोटर इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद कुमार विश्वास ने भी ट्वीट के जरिए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की भविष्यवाणी की। उत्तर प्रदेश के आगरा में कई दुकानों में भीषण आग लगने से अड़का मच गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई दुकानें जलकर राख हो गई, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं छा गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अपने अपने तरीके से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक 15 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गयी। बेंगलुरु में बंगाली राइट विंग नाम की संस्था से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ममता बनर्जी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ममता बनर्जी की वजह से कई लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर बैनर ले रखे थे, जिनमें ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लिखे थे। इस दौरान लोगों ने ममता बनर्जी से बंगाल को बचाने का नारा भी दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस बीच राम नाम के नारे भी लगाए। साथ ही लोगों ने आरोप भी लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनावी रंजिश में कई लोगों की हत्या करवा दी। हजारों लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ धमकी दी जा रही है कि वोटिंग होने से पहले अपने अपने घर छोड़ दो, ये तो इसके इंजाम बहुत बुरे होंगे। इस दौरान लोगों ने ममता बनर्जी पर माँ, माटी और मनुष्य के अपमान का आरोप भी लगाया। बिहार के वैशाली में नेशनल हाईवे पर कुछ पुलिस वालों ने एक टोल कर्मी की पिटाई कर डाली। आरोप है कि टोल से निकलने के दौरान पुलिस वालों की कर्मचारी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने टोल कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि पुलिस वालों की गाड़ी आते ही कर्मचारी ने वहां लगी एक बैरिकेड को खिसकाकर उन्हें जाने की जगह दे दी। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले वहां से नहीं गए और टोल कर्मी से बहस करने लगे। इसके बाद पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे और टोल कर्मी को घसीट कर पीटने लगे। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने भी टोल कर्मी को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद टोल पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस वालों ने आदमी को छोड़ दिया। इसके बाद टोल कर्मचारी वहां फटी हुई शर्ट में दिखाई दिया, जिसे दोबारा धमकी देते हुए पुलिस वाले वहां से चले गए।
एक्टर कमल हासन के हिंदू शब्द और धर्म पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी समेत दूसरे हिंदुवादी संगठनों ने उन पर जमकर निशाना साधा। कमल हासन ने हिंदू शब्द को इस्लामी आक्रमणकारियों का दिया हुआ शब्द बताते हुए हिंदू धर्म पर सवाल उठाए। जिसके विरोध में हिंदू महासभा ने उन पर जमकर निशाना साधा और उन पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। कमल हासन जैसे राजनेता द्वारा हिंदू शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये मैं समझता हूँ उनके सूक्ष्म ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें पहले हिंदुत्व को समझना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी उन पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। हिंदुओं को समझ लिए हैं कि जितनी गालियां देंगे मैं देश में सेकुलर नेता के रूप में उभरूंगा, गलतफहमी में ना रहे। जबकि अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत गौरी शंकर दास ने देश के मुसलमानों से कमल हासन का बहिष्कार करने की अपील की। जो भी इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, ये कमल हासन जैसे लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उधर पटना के गर्दनी बाग की एक बस्ती में भीषण आग लगने से 50 से 60 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस हादसे में एक आदमी की भी मौत हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बस्ती में फैल गई। वहीं झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर भी इस आग में फट गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इस भीषण आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मनाली के नजदीक गुलाबा में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रास्ते पर टूटकर गिर पड़ा, जिससे मनाली रोहतांग को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। बताया गया कि सैलानी मणि और ब्यास नाला में बर्फ का दीदार करने के बाद मनाली लौट रहे थे। इसी दौरान गुलाबा में जमीन खिसकने की वजह से मनाली रोहतांग मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें सवार करीब 3,000 पर्यटक वहां फंस गए। जमीन खिसकने की सूचना पर फौरन प्रशासन मौके पर पहुंची और रास्ते से गिरे मलबे को हटाने में जुट गई। इस दौरान वहां कई अधिकारी भी मौजूद दिखे। काफी देर तक प्रशासन रास्ते से मलबा हटाने की कोशिश करता रहा। बाद में पर्यटक दूसरे रास्तों से वहां से निकलने की कोशिश करते दिखे। हालांकि प्रशासन ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मनाली रोहतांग मार्ग से मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। बताया गया कि सड़क पर जा रही एक लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया था, जिसके बाद लड़की शोर मचाने लगी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और फिर उसे पीटने लगे। छेड़खानी की खबर सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वहीं कुछ लोगों ने आरोपी लड़के को जमीन पर बैठा दिया। इस दौरान एक आदमी उसकी वीडियो बनाता रहा। आरोपी लड़के को सबक सिखाने के बाद लोग उसे पुलिस थाने ले जाने लगे। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। गुजरात के अरवली जिले में तूफान की वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जबकि कई पेड़ उखड़ कर गाड़ियों और मकानों के ऊपर गिर गए। इस दौरान एक गाड़ी पेड़ों के बीच में फंसी नजर आई। वहीं तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा और बिजली के तार टूट गए। जबकि तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में खड़ी फसलों को हुआ, जो तूफान में पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। इतना ही नहीं, तेज हवाओं की वजह से घरों में रखा सामान उड़कर खेतों में जा गिरा, जबकि कई तबेलों की टीने भी उड़ गईं। हरियाणा के झज्जर में एक रिटेल स्टोर के मालिक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया, उस वक्त स्टोर के अंदर कई लोग मौजूद थे और स्टोर मालिक की हत्या करने के बाद बदमाश वहां से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच तेज कर दी। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके परिवार के ये बता रहे हैं कि इनकी पुरानी किसी क्रिमिनल से जो है दुश्मनी है, तो उसने ये काम करा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ स्टोर के बाहर जुट गई। घटना के वक्त स्टोर में मौजूद लोगों ने दावा किया कि 3 बदमाश स्टोर के अंदर घुसे और फायरिंग कर भाग गए। दिल्ली के मोतीनगर में ध्रुव त्यागी हत्या मामले के विरोध में लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 11 मई को ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही इलाके के लोगों में गुस्सा है और वे इस हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
इसी कड़ी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कई पोस्टर्स ले रखे थे, जिसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई थी। वहीं लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोतीनगर के कई इलाकों से गुजरने के बाद ये मार्च पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रुक गया। वहीं लोग अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। लोगों ने दावा किया कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे। पीएम उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर हैं। जिसके पहले दिन वो केदारनाथ पहुंचे, जहां कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वो हेलीकॉप्टर से उतरकर मंदिर की तरफ रवाना हुए। इस दौरान परंपरागत वेशभूषा में नजर आ रहे पीएम पैदल ही मंदिर तक पहुंचे, जहां मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद पीएम ने मंदिर की मुख्य इमारत की पूरी परिक्रमा भी की और परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी, आपको बता दें, शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे और अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन किए, जिसके बाद वो सीधा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह और उनके परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर की तरफ से अमित शाह को शॉल उड़ाई गई और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मंदिर के पुजारी ने ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई माला अमित शाह को पहनाई और उन्हें बेलपत्र दिया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अमित शाह ने अपने परिवार के साथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया। अमित शाह ने पहले शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए, इसके बाद पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और जल के साथ अभिषेक किया। पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक करने के बाद अमित शाह ने शिवलिंग पर वस्त्र और फूल माला चढ़ाई और शिवलिंग की आरती की। इसके बाद अमित शाह एक बार फिर सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मंदिर से निकल गए।